नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं यूसीसी जो इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। दोस्तों समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को सौंप दी गई है। दोस्तों इसको तैयार करने में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किया गया है और उत्तराखंड में ये लागू होने वाला है। जिस समय लागू हो जाए, किसी भी समय लागू हो सकता है। और दोस्तों जैसे ही लागू होगा इसमें बहुत सारे कानून चेंज हो जाएंगे। जितने कानून चेंज होंगे वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा डिटेल में बताऊँगा। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप यूसीसी के लिए कोई दूसरी वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि जितना डिटेल है इसमें मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बताऊंगा और बहुत ही अच्छे शब्दों में, और ज़्यादा बड़ी वीडियो ना करके छोटे में आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग वीडियो का पूरा नॉलेज ले सकें। और दोस्तों अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में ही सॉल्व कर दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो वीडियो के एक पैकेज बना करके मैं दूंगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता जैसे ही उत्तराखंड में लागू होगा तो ये देश का पहला प्रदेश बन जाएगा जहां पे यूसीसी लागू किया गया है। अब यूसीसी लागू होने पे क्या क्या कानून बदलेंगे, अगर आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरी हो तो एक पेन ले लीजिएगा और कॉपी ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, उसको नोट्स कर लीजिएगा, ताकि आपको दोबारा कभी दिक्कत नहीं होगी, जब होगा तो अपना उठा करके देख लेंगे। और ये कोई एडवोकेट्स के लिए नहीं है, भारत के जितने नागरिक हैं सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ, यूसीसी लागू होने पे कानून क्या बदल जाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या आज के टाइम में आप लोग जैसे देख रहे हैं किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 6 बच्चे हैं, तो किसी के 10-10 बच्चे हैं, तो इसका कानून एक वो हो जाएगा कि सिर्फ दो ही बच्चे, लड़की हो या लड़का हो, दो ही बच्चे हैं। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो आप लोग सरकारी लाभ पाने के लिए कई कैटेगरी से वंचित हो जाएंगे। पहला तो जनसंख्या नियंत्रण है। सेकंड पे आ जाइए दोस्तों तलाक के लिए, जैसे तलाक आदमी लेता है, डायवोर्स लेता है, तो उसके लिए हर एक धर्मों के कानून अलग अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, हिंदू के लिए अलग है, तो सभी धर्मों के लिए तलाक लेने का जो भी मैटर है वो समान हो जाएगा, चाहे वो हिंदू के हों या मुस्लिम हों। तो दोस्तों तलाक के लिए सभी धर्मों का नियम एक ही होगा। दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों तीसरा पॉइंट, भरण पोषण खर्च के लिए, जैसे माता पिता हैं, पिता नहीं है, अब असमर्थ हो चुके हैं, वृद्धावस्था आ गई है, भरण पोषण के लिए, मतलब कि भरण पोषण और गोद लेने के लिए भी जितने भी धर्म हैं इनका सबके लिए कानून एक होगा, कि ये नहीं कि हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, ये एक ही होगा। दोस्तों लिव इन रिलेशनशिप के लिए दोस्तों पंजीकरण जरूरी है, जैसे कि आप लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं तो इसका पंजीकरण करवाना बहुत ज़रूरी होगा और शादी रजिस्टर करवाना होगा, वरना कोई किसी भी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। मतलब कि जो भी सुविधाएं अगर मिलनी होगी, अगर आप पंजीकरण नहीं करवाए हैं तो वो सुविधा से आप वंचित हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उसका भी पंजीकरण कराना होगा और शादी को रजिस्टर करवाना होगा, तभी आप सुविधा के लायक हो सकेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, संपत्ति के बंटवारे में लड़की का समान हक सभी धर्मों में लागू होगा। लड़की है और लड़का है तो दोनों का समान ही हक होगा, ये नहीं कि लड़की के लिए अलग है, लड़के के लिए अलग है, और सभी धर्मों के लिए एक होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, एक पति पत्नी का नियम सब पर लागू होगा, बहुपत्नी प्रथा समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, प्रदेश के जनजातियों पर ये नियम लागू नहीं होंगे।
आसान भाषा में समझें तो इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए कानून एक समान हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।